हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इसमें आपका चैप्टर है नाउन, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 13, चैप्टर 4, द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की डेफिनेशन है, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, दे नेम ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मीन्स जो नाउन्स होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि किसी का नाम। दे नेम ए पर्सन, जैसे कि एक पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम और थिंग नेम। जैसे कि यहाँ पे कुमार एक लड़के का नाम है, गोट एक एनिमल का नेम है, पार्क एक जगह है, वॉल एक थिंग है, ठीक है। द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, थिंग एंड प्लेस इज कॉल्ड नाउन। ये इसकी डेफिनेशन है नाउन की। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट, अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स टू मेक नाउन्स। यहाँ पे ये हमें आगे पीछे लेटर्स दे रखे हैं, इन्हें इनका यूज़ करके हमें वर्ड बनाना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है COW, काउ। सेकेंड वर्ड है टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। थर्ड, रिवर, RIVER, रिवर। फोर्थ, पीटर, PETER, पीटर। फिफ्थ, बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। नेक्स्ट पे आते हैं हम, बी, फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल नाउन्स विद द हेल्पिंग द गिवन बॉक्स विद। फर्स्ट है द डैश क्रॉसेस द प्लेन्स, तो इसमें आएगा रिवर, RIVER, रिवर। सेकेंड, आई यूजुअली विजिट द रोज गार्डन, GARDEN, गार्डन। नंबर थर्ड, सिंगापुर इज ए ब्यूटिफुल प्लेस, थर्ड आंसर है सिंगापुर, SINGAPORE, सिंगापुर। नंबर फोर, ए सेप गिव्स अस वूल, SHEEP, शीप। फिफ्थ, वी राइट विद ए पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे हम। कॉमन नाउन, ए नाउन डैट गिव्स ए कॉमन और जनरल नेम टू ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स कॉल्ड ए कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, रूम, डॉग, बॉय, गर्ल, etc. जैसे कि किसी का, जहाँ पे पर्टिकुलर किसी का नाम ना लेके उसकी पूरी जाति का दिखाया जाए, जैसे कि बॉय, पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं लिया गया है लेकिन उसकी पूरी जाति को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, बॉय यानी लड़का, तो ये एक ये आता है कॉमन नाउन में। गर्ल, ऐसे ही इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन, ए नाउन डैट इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी पर्टिकुलर किसी का नेम लिया जाता है, जैसे पर्सन नेम, किसी का भी नेम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरा नाम नेहा है तो मेरा नेम क्या है, प्रॉपर नाउन में आएगा। ऐसे ही किसी का भी पर्टिकुलर नेम, बॉय का नेम, गर्ल का नेम अगर है तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रॉपर नाउन्स। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर नाउन फिल करनी है, यानी किसी का नेम, पर्टिकुलर नेम प्रॉपर नाउन होता है ना। द ताजमहल इज एट आगरा, आगरा एक सिटी का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। सेकेंड, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ये भी एक सिटी है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। थर्ड वन, रीता लिव्स इन वाराणसी, तो वाराणसी भी एक सिटी है, तो ये सिटी का नेम है इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। फोर्थ, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो माउंटेन नेम माउंट एवरेस्ट, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट, द अशोका वॉज ए ग्रेट किंग, अब किंग का नेम अशोका हो गया, तो अशोका यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, नेक्स्ट, बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट
कॉमन नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। अब कॉमन नाउन वो होती हैं जहाँ पे पूरी जाति के बारे में बताया जाता है, मतलब पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं होता है वहाँ पे, आप पता नहीं लगा सकते किसके बारे में बात हो रही है, बस ये पता चलता है कि मतलब शब्द क्या है, किसके बारे में बात हो रही है वो पता नहीं चलता, पर्टिकुलर किसी को इंडिकेट नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट सी वॉक अप अर्ली टू कैच ए डैश टू शिमला, बस का नेम नहीं है, बस लिखा है। सेकेंड विल यू कम टू माई डैश टूडे हाउस। थर्ड माई डैश इज़ गोइंग टू मुंबई। फ्रेंड का नेम नहीं है यहाँ पे, ओनली फ्रेंड लिखा गया है। फोर्थ माई कार हैज़ गॉन फॉर रिपेयर। अब कार की बहुत सारे कंपनी हैं कार की, लेकिन यहाँ पे कार की कंपनी नहीं देके कार लिखा गया है, तो कार एक कॉमन नाउन है। फिफ्थ आई लाइक टू ईट कर्ड इन द आफ्टरनून। सिक्स रीना इज़ वियरिंग ए रेड गाउन। ओके